हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। आज हम करने जा रहे हैं इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम प्रिवेल करता है, लेकिन चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम प्रिवेल करता है एंड वहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, और हम इसको सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। तो ये सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जो चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन पर रूल कर रही है। जितने भी डिसीजंस हैं वो सभी डिसीजन कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही लिए जाते हैं। चाइना में जो ही पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वहां पर कोई भी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि वहां पर वन पार्टी सिस्टम प्रिवेल करता है। अदरवाइज अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं, वहां पर बाई पार्टी सिस्टम होता है। अगर हम यूके की, यूएसए की बात करें, वहां पर भी क्या है? बाई पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन चाइना में तो वन पार्टी सिस्टम ही है। तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। चाइना का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कौन करती है? कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है। यही सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ है, इसको रेगुलेट करती है। मीन्स लोगों की लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, या फिर उनकी सोशल लिबर्टी फ्रीडम्स क्या हैं, जिस सारे डिसीजंस कौन ले रही है? एक पार्टी ले रही है जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी बन जाती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या इंश्योर करती है? डिक्टेटरशिप ऑफ द पीपल्स ओवर चाइना, मीनिंग जब वहां पर रेवोल्यूशन आई थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि हम लोगों की, जो पीसेंट्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, हम इनकी डिक्टेटरशिप है, इस डिक्टेटरशिप को ही चलाएंगे, इसको ही एस्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरह जो आम लोग हैं वो कहते हैं आम लोगों का ही चाइना है, इसमें किसी एक लैंडलॉर्ड का या एक डायनेस्टी का रूल नहीं चलेगा। इसमें रूल किसका चलता है? लोगों का चलता है। इसीलिए जो डिक्टेटरशिप ऑफ द पीपल्स ही वर्ड यूज करते हैं। जो पीसेंट्स हैं इनकी डिक्टेटरशिप है, जो पुअर वर्कर्स हैं इनकी डिक्टेटरशिप प्रिवेल करती है। तो जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। 1978 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको ही सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता था, मीनिंग इसके लीडर हैं वो ही सब कुछ डिसाइड करते थे। लेकिन जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी 78 में दी गई थी। वहां जब हम 78 की बात करते हैं उसमें ये क्या था? मेन एक्सिस था, इसके अंडर ही सारे काम होते थे। अब भी चाइना के जितने भी काम है वो आज भी सीपीसी के अंडर ही होते हैं, लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस आज नहीं है जो पहले थी। लेकिन जो प्रैम्बल है, प्रैम्बल में आज भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। जो प्रैम्बल है, प्रैम्बल में जो माओ है, जो इस पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, उनका नाम भी डिफाइन किया गया है, उनकी थॉट है उनको एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रैम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके अकॉर्डिंग ही जो चाइना कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हुआ है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने ही किया है। तो जो बर्थ एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो क्या है? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जब चाइना में डायनेस्टी रूल चल रहा था उस रूल में
जब रिपब्लिकिज्म आता है, मीनिंग फर्स्ट टाइम रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश किया जाता है 1911 में, तो वहां पर जो डॉक्टर सन थे उन्होंने केएमटी पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी है, वो इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन 1921 में एक और पॉलिटिकल पार्टी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसका फर्स्ट सेशन ऑफिशियल डेट है July 1, 1921। इसको शेन डुक्साई एंड ली डिजाओ जी इस्टेब्लिश करते हैं। जो शिंगाई चाइना का एक बहुत ही लार्ज सिटी है, शिंगाई इसमें इस्टेब्लिश की जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत रेवोल्यूशन। सोवियत रेवोल्यूशन जो 1917 में आई थी, वहां पर कम्युनिज्म डिवेल्प किया गया था, वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, इसीलिए वहां पर क्या होता है कम्युनिस्ट पार्टी है जी फॉर्म होती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो केएमटी पॉलिटिकल पार्टी थी, स्टार्टिंग में ये दोनों का बहुत ही ज्यादा बड़ा अलायंस था। जो मेंबर्स थे, जो केएमटी पार्टी के मेंबर थे, वो ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके भी मेंबर थे, मीनिंग स्टार्टिंग में मेंबर सेम थे। जब डॉक्टर सन है उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उस पार्टी की केएमटी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सिविल वॉर होती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसके आइडियोलॉजी क्या है, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे माओ टेस्ट्रुंग, इनके आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है। जो माओ टेस्ट्रुंग है, इनको माओ जीडोंग भी कहा जाता है। जो माओ जीडोंग है, इसकी फिलोसफी आज भी सबसे इम्पोर्टेंट है। चाइना में जो कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हुआ है, वहां पर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एंड माओइज्म है, इसकी स्टडी कराई जाती है। तो जी थ्री फिलोसफीज है, इनकी ऊपर ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है प्रिवेल करता है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जिस सोवियत रेवोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बन जाती है। एंड इसकी लीडर थे माओ, तो माओइज्म के नाम से विख्यात हो जाती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट है, इसकी केएमटी के साथ पहले अच्छे रिलेशन थे, तो इनका अलायंस था। लेकिन 1927 से लेकर 37 तक फर्स्ट फेज ऑफ सिविल वॉर होता है, जिसमें केएमटी एंड सीपीसी पॉलिटिकल पार्टी है, इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, रिलेशंस खराब हो जाती है। और ड्यूरिंग दिस टाइम लॉन्ग मार्च होता है, मीनिंग कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बचाने के लिए वो 10,000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च करती है। वो पहाड़ों से नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं, और इसी लॉन्ग मार्च के टाइम में जो माओ जेडोंग है, इनकी पर्सनैलिटी सबसे सामने आती है। जो एक अच्छे लीडर की तरह सबके सामने आते हैं, अपनी जो जनता थी, पॉपुलेशन को, लोगों को बचाते हैं, क्योंकि वहां पर केएमटी लीडर की आर्मी थी, वो भी इनके पीछे लगी हुई थी, इसीलिए अपने जो पेपर थे इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। वहां पर जे कहा जाता है, अगर आज का जो चाइना है वो इस्टेब्लिश हुआ है, वो माओ की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हुआ है। तो लॉन्ग मार्च होता है, फिर जब जापान है इस पर अटैक कर देता है, तो जो केएमटी एंड सीपीसी है दोनों साथ मिल जाती हैं, तो यूनाइटेड फ्रंट बना लेते हैं। आफ्टर दैट जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाते हैं, फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। जो कम्युनिस्ट है वो केएमटी के अंगेंस्ट हो जाते हैं, एंड 1949 तक ऑलमोस्ट जितना भी चाइना है इसको कैप्चर कर लेते हैं। 50 तक तो सारा चाइना इनके अंडर आ जाता है। तो 1 अक्टूबर 1949 को जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है जी ही विनर रहती है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जी सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई, तो इसकी मेंबरशिप है वो कैसी है, इसके कितने मेंबर्स हैं जो इस पार्टी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जुलाई 1, 1921 को, इसमें ओनली 13 डेलीगेट्स थे,
जिसमें माउन थे वो भी इसके फाउंडिंग मेंबर थे और 1927 तक इसकी पॉपुलैरिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि 60,000 मेंबर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं एंड आज के टाइम में 2021 में 95 मिलियन पीपल हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप है ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर कोई भी पर्सन है इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए पहले वो एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन पर जो टू फुल मेंबर्स है उनकी सिग्नेचर होते हैं। आफ्टर दैट वन ईयर का पीरियड है वो देखा जाता है जिसको कैंडिडेंसी पीरियड कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट की एक्टिविटीज हैं इनको वॉच किया जाता है। आफ्टर दैट जो लोकल यूनिट्स हैं वो जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर करती हैं, आफ्टर दैट ही मेंबरशिप मिलती है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीज चाहती है जो भी मेंबर्स हों वो चाहे कम मेंबर हों लेकिन वो पार्टी को फुली डिवोटेड मेंबर मिलनी चाहिए। तो इसीलिए जी अपने मेंबर्स को ट्रेन भी करती है, उनके आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, एथिकली डिसिप्लिनरी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, मीनिंग आइडियोलॉजिकल जो उसके मार्क्सिज्म यानी इज्म एंड माओइज्म व्यूज हैं उनको चेक किया जाता है, उनको स्प्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो इनमें फेथ रख रहा है या नहीं रख रहा एथिकली, क्योंकि वो मानते हैं अगर चाइना डिवेलप करना चाहता है तो उसके लिए डिवोशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और इसके लिए जो पार्टी डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। एंड वोकेशनल जो पहले लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, तो इसको जो पर्सन इस पार्टी में आते हैं उनको ओनली थ्रेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इस तरह इसकी मेंबरशिप है जो आज के टाइम में 95 मिलियन पीपल के पास है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो पिरामिड की तरह है। सबसे टॉप पर एक पर्सन है जिसको जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्टी भी कहा जाता है। तो जो चाइना है, चाइना की जो लीडरशिप है, लीडरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी आती है, उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो आती है और जो जनरल सेक्रेटरी है वो ही प्रेसिडेंट बनता है। जो गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है वो सेम ही पर्सन है, तो इसीलिए जी सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन बन जाती है। तो जी टॉप लेवल की पोजीशन है जिसमें एक पर्सन है वो लीडर होता है जिसके पास सभी पावर्स होती हैं। तो उसके बाद जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आती है जनरल सेक्रेटरी के अंडर सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी जिसमें 205 फुल मेंबर्स होते हैं एंड 171 अल्टरनेट मेंबर्स हैं। तो उसके बाद आती है पॉलिट ब्यूरो, जी क्या है इसमें से ही जो 205 मेंबर्स हैं इनमें से ही 25 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो जो सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी है जब जिस सेशन में नहीं होती तो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स है जिस सारे काम करते हैं। एंड इसके बाद जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटीज है वो आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटीज है, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। जो 25 मेंबर्स हैं इनमें से ही 7 मेंबर्स पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह टॉप पर जनरल सेक्रेटरी होगी, देन जो 3 जो पार्टीज हैं जो जो कमेटीज हैं इनके मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटीज और उसके बाद आती है नेशनल पार्टी कांग्रेस, जी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जी मेंबर्स हैं इन मेंबर्स को इलेक्ट कौन करती है, नेशनल पार्टी कांग्रेस करती है। जो आफ्टर 5 इयर्स इसकी जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, सेशन है वो कन्वीन होता है जिसमें सभी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। इसी में ही जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है, सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी के मेंबर्स है, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स है और स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर है, इनको इलेक्ट किया जाता है। तो जिस सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन है, री ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नेशनल पार्टी कांग्रेस है जे ही देखती है और इसके अंडर आती है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑटोनोमस रीजन एंड प्रोविंशियल लेवल। तो जो चाइना है, चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसमें डिवीजन की गई है।
तो इसीलिए जो ऑटोनॉमस रीजंस है, प्रोविंसेस लेवल पर रीजंस है, इन पर भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है। जो इसकी मीटिंग्स है वो 3 ईयर्स में एक बार होती है। एंड जो इसके भी अंडर आती है वो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एट सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी काम करती है, और सबसे जो छोटी यूनिट बन जाती है वो है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी, जिसके लिए एटलीस्ट 3 मेंबर्स का होना जरूरी है। तो जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसको सेल भी कहा जाता है, तो इस तरह वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है। तो जो पैरामिड की है, सबसे ऊपर टॉप पर 1 मेंबर, फिर 3 मेंबर्स। तो जैसे जैसे हायरार्की इंक्रीज होती जाती है, मेंबर भी रिड्यूस होते जाते हैं। नाउ रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका चाइना में क्या रोल है? फर्स्ट वन इज पार्टी एज एन आर्किटेक्ट एंड डिफेंडर ऑफ द रेवोल्यूशन। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से ही 1949 में कम्युनिस्ट चाइना है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ही की वजह से आई थी। तो ये ही मेन आर्किटेक्ट बन जाती है रेवोल्यूशन की। और जो रेवोल्यूशन था किस लिए आया था? जो प्रोलिटेरियन क्लास है, जो पीजेंट वर्कर क्लास है, इनकी डिक्टेटरशिप के लिए, जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट है, इनको बेटर बनाने के लिए। तो ये पार्टी क्या बन जाती है? आर्किटेक्ट एंड डिफेंडर ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इट इज आल्सो एज अ गाइड एंड टीचर, एक कंट्री के लिए क्या काम करना चाहिए, उसकी हार्डवर्क कैसी होनी चाहिए। तो जो पार्टी है, ये पार्टी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती है। जो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म, इनकी बातें हैं, वो लोगों को सिखाती हैं। इसलिए इट इज अ गाइड एंड टीचर ऑफ द पीपल ऑफ चाइना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, इट इज आल्सो द डिफेंडर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट। जो पीजेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो बिग लैंडलॉर्ड्स के पास थी, उसको कलेक्टिवली डिवाइड किया गया था। कलेक्टिवली ओनरशिप थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, वो की गई थी। तो इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स इनको डिफेंड करती है। सोशलिज्म भी एस्टैब्लिश किया था, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से सोशलिज्म एस्टैब्लिश हुआ था। जो पार्टी है, इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। इन दोनों में लिंक एस्टैब्लिश कौन करती है? कम्युनिस्ट पार्टी करती है। एंड पार्टी रेवोल्यूशनरी लीगेसी, जिस वजह से रेवोल्यूशन आई थी, जिस वजह से आज के टाइम में जो चाइना है सुपर पावर बन चुका है। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर उसकी GDP है, पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है। जी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी ही कंट्रीब्यूशन है, इसने ही अपनी इकोनॉमी को डिवेल्प किया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर आई है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। एंड जब चाइना एस्टैब्लिश हो गया था, उसके बाद जो मास कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें इन्होंने डेवलपमेंट की है, जो भी इवर्स थी उसको दूर करने का काम किया था। कल्चर रेवोल्यूशन है, वो भी कौन लेकर आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी लेकर आई थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी है और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही कर रही है। तो विद दिस हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।